strength and show. मैं बोला था ना, हॉस्पिटल का चक्कर ऐसा है कि खत्म नहीं होता है। तो अभी सुभाष जा रहे हैं अपना चेकअप करवाने, सीटी स्कैन है सुभाष का, बताती हूँ बाद में। सो यही है, एक बार हॉस्पिटल अगर आप गए, घर में दवाई आई, तो भैया 2-3 महीने में, है ना, लास्ट ब्लॉग में मैं यही बोल रही थी, 2-3 महीने तो आराम से कुछ ना कुछ रीजन से चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता है। अरे ये हो गया, चलो ये भी चेक करवा ही लेते हैं साथ, जब जा ही रहे हॉस्पिटल, तो ये भी करवा, फिर ये भी करवा, फिर ये भी करवा, तो चलता रहता है जब तक सब कुछ जो पेंडिंग होता है, लेकिन उसी बहाने में सब कुछ हो जाता है चेक। हाँ, वो अलग चीज है, टेस्ट अलग चीज है, लेकिन बीमार भी तो पड़ते रहते हैं ना। ये मौसम भी ऐसे है ना, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर पुणे में, ऊपर से पॉल्यूशन का इतना एलर्जिक, तो डॉक्टर भी वही बोल रहे थे कि मॉर्निंग का टाइम, दिन के टाइम का टेम्परेचर और रात के टाइम के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस है, इस वजह से ये कोल्ड एंड कफ, और ऊपर से पुणे में इतना कंस्ट्रक्शन, जहाँ जाओ वहाँ कंस्ट्रक्शन, धूल, जो स्मॉग हो रहा है ना, उस वजह से ऐसा आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में कि आप मॉर्निंग में और इवनिंग में कम निकलो, तो निकले कब ना, वही तो मेन टाइम होता है जब लोग जनरली घर से बाहर निकलते हैं, उस वजह से जो ऑफिस जा रहे हैं उनको तो जाना है ना, उस हिसाब से बोल रही हूँ। गंदा लगता है ऐसे कपड़ों में देख के। यहाँ पे भी मैंने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है, यहाँ पे तुमको नहीं जोड़ेंगे। सुभाष का 2 बजे का अपॉइंटमेंट था और सुबह से खाली पेट रहना था, और उसके बाद अभी पानी में कुछ तो मेडिसिन डाल के देते हैं पानी पिला के बोला आपको पानी पीना है, जनरली एक गिलास पानी देते, पूरा जग रख के चले गए पानी का, कि एक गिलास आपको पानी पीना है, उसके 40 मिनट बाद टेस्ट होगा, पूरा प्रॉपर फुल जग, और उसको 40 मिनट के अंदर जग को फिनिश करना था पानी को, उसके बाद टेस्ट होना था। अभी क्या बज रहे हैं, 4:30, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे था कि मैं आके खा लूँगी, और साथ में कोई चाहिए था ना, ये अच्छा मैंने पहन लिया पहना, हाँ साथ में रिलेटिव चाहिए था एक मैडम, हाँ सो साथ में रिलेटिव चाहिए था, पता नहीं कुछ आवाज़ आपको आई कि नहीं आई, इतना तेज़ कूलिंग चल रहा था, सो साथ में रिलेटिव हुआ था कि साथ में रिलेटिव चाहिए, मैंने मेरे को था कि आज मस्त आराम से मैं घर में रेस्ट करूँगी, और कुछ काम नहीं मेरा, मुझे कुछ काम नहीं, सिर्फ एक साइन करना था एक फॉर्म के लिए, उसके लिए बुलाया। चलो एनीवेज मैं भी भूखी, सुभाष भी भूखे, अब जल्द देखते हैं घर जाके क्या, वैसे अच्छा धंधा खुल जाता है जिसकी फैमिली को ना ना, यहाँ पे वो लगा लो कि किराए पे मिलते हैं रिश्तेदार, और कुछ कि चलो मेरे साथ ऐसा, हाँ चलो मेरे साथ, सुभाष कुछ भी बोलता है ऐसा ऐसा था ना कोर्ट में, शादी के लिए वैसा, शादी के लिए किसी के लिए भी गवाह, झूठे गवाह कोर्ट के बाहर मिलते हैं भाई, हेल्थ के यहाँ पे झूठे गवाह नहीं चलते, शादी ब्याह में चलते हैं। तो ये है मलाई मेथी मटर पनीर जो मैंने बनाई थी, और ये है पराठा, बहुत भूख लगी, 5 बज गए। सो मेरा ना कुछ दिनों से शोल्डर्स और पूरा बैक ना बहुत पेन हो रहा था, तो मैं रिना को भाई बोलती थी मेरा बहुत बैक पेन हो रहा था, कहती लाओ मम्मा मैं मालिश कर दूँ, तो इतना प्यारा सा एक क्यूट सा उसने बाल बांध के पोनी बनाया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा अच्छा लगता है, पहले उसको पोनी बनानी नहीं आती थी, अब वो मेरे देखो बाल जो भी है जैसे भी बांधे उसने बांध लिए, और उसके बाद फिर मेरा पूरा मस्त उसने बैक में जितना उससे हो सकता था उतना उसने किया। सो लड़ती इतना है मुझसे, लेकिन ये जब छोटी छोटी जैसी चीज़ें करते हैं ना बच्चे अपनी तरफ से, बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत खुश है अनन्या। लेकिन अभी इसको ऊपर तो नहीं बैठना है, एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के लिए पहले स्कूल की बुक, रात को सोने से पहले ये बुक, इसको बुक देते हुए ना बहुत डर लगता है मुझे, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे स्कूल की बुक्स छोड़ के, यानी कि जो भी सारे पुराने बुक्स थे फेमस 5 मैंने उसको बचा के रखा था ना, बताया था ना आपको, लेकिन एन साहब स्कूल में डोनेट कर दिया, तभी ये मंगाया है इसने, कौन सा है, टॉम गेट्स का। चलो पहले पढ़ाई करो स्कूल का, फिर खुश, इतनी एक्साइटमेंट बुक के लिए आने की, इतनी एक्साइटमेंट आने के ना कपड़ों पे होता है ना टॉयज पे। अरे मुझे बोलती मम्मा टॉम गेट्स बहुत ही रिलेटेबल बुक है, दिखाओ अनन्या फर्स्ट पेज, हाँ फर्स्ट पेज ऑफ द बुक हैज दिस, शो ये तो ये मंगाती है ऐसे बुक्स, हाँ यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ पे ये स्टार्स जला देती हूँ शाम को,
बिल्कुल ऐसा रौनक रौनक टाइप फील होता है। सो यस, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, आके लंच तो किया इवनिंग टाइम पे, जो भी है एक लंच किया, उसके बाद फिर मैं सोने चली गई बिकॉज मेरे को बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था। फिर अभी जस्ट चाय पिया है और सुभाष गया क्रिकेट खेलने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन उनका क्रिकेट प्लान हो गया। कितनी एनर्जी है सुभाष ने, मतलब आके ही वॉज कंटिन्यूसली ऑन कॉल ऑफिस का एंड अभी क्रिकेट खेलने गए हैं। सो बेसिकली सुभाष का, जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट ईयर आई थिंक, जब हम हर साल वो करवाते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सो दो साल पहले जब हम करवाया था तो सुभाष के लिवर में हल्का सा ना एक 1.3 x 1.3 सेंटीमीटर, बिल्कुल छोटा एक ना कुछ तो दाना बोले कि लेजन बोले कुछ तो था हल्का सा, सो वो डिटेक्ट हुआ था, तब भी डॉक्टर ने रूल आउट किया था कि कुछ ऐसा है नहीं। सो बस बोला था कि उसको उस पर चेक रखना। सो लास्ट ईयर करवाया तो उसमें कुछ भी नहीं आया, तो या तो वो चला गया था या जो भी है। पर सुभाष के ऑफिस से ऐसा है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर साल एक बार ऑफिस वाले करवाते हैं, तो वो उनकी तरफ से रहता है ऑफिस की तरफ से, तो उसमें सुभाष का वापस से ये वाला आया था, तो फ्रॉम द ऑफिस विच इज़ वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट कि ऑफिस यू नो ऐसी कंपनीज हैं जो टेक केयर करती हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके हेल्थ का। तो उन सुभाष का जब आया था, जब रिपोर्ट्स गई थी, तो उन्होंने कहा था एवरी सिक्स मंथ यू हैव टू गिव अस अ रिपोर्ट कि आपका ये कैसा है। तो ऑफिस से कल के परसों ही सुभाष को मेल आया था कि ये आप हेल्थ आपका ड्यू है, सो गेट इट डन। सो उसी लिए सुभाष ने एक बार वापस डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि वैसे कुछ नहीं है बट इट इज़ बेटर टू गेट एवरीथिंग टेस्टेड। तो उनका ब्लड टेस्ट हुआ विच केम वेरी नॉर्मल, उसमें एक दो चीज़ें उन्होंने रूल आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट दिया था विच वॉज वेरी नॉर्मल। और वापस उन्होंने डॉक्टर ने बोला था एक बार सिटी स्कैन करवा लो जस्ट फॉर दी उस सेक कि भाई एक बार सब कुछ रूल आउट हो जाए, तो इसीलिए हम लोग गए थे सिटी स्कैन करवाने के लिए। तो इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन बी इट योर बर्थडे, बी इट योर एनिवर्सरी, ऐसा कुछ टाइम जब आपको याद रहे ना कि अभी पिछले साल हमने इस टाइम पे करवाया था तो अभी इस टाइम पे वापस से टाइम हो गया है। सो हम हमेशा अपने एनिवर्सरी के टाइम, हमारे अप्रैल जो मंथ है उसमें वी गेट आर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप डन। उसी में मेरा B12 और D का जो है वो काफी कम आया था, काफी कम मतलब बिल्कुल बहुत मिनिमल जो नेगेटिव वो साइड है टुवर्ड्स दी कमी वाले साइड में काफी कम आया था। तो उसका मैंने 2-3 महीने मेडिकेशन लिया, उसके बाद बंद कर दिया था। सो अभी रिसेंटली जब मैंने टेस्ट करवाया, मैं बताना भूल गया आपको, एवरीथिंग इज नॉर्मल, विटामिन डी और B12 सब कुछ नॉर्मल है। सो गिफ्ट योर सेल्फ दिस ऑन योर बर्थडे या फिर गिफ्ट योर पार्टनर। प्रिवेंटिव हेल्थ को हम इतना कम करके लेते हैं ना, कोई भी चीज़ हम गिफ्ट करते हुए नहीं सोचते किसी और को, है ना, बट देन जब हेल्थ की बात आती है ऐसा लगता है यार ये तो बहुत महंगा है, बट दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो आप दे सकते हो। ये बात बहुत बड़ी लगती है बट सीरियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सर्टेन एज के बाद तो स्पेसिफिकली आपको करवाना ही चाहिए हेल्थ चेकअप, सो दैट यू नो कुछ भी हो इट इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो चीज़ों को, इनिशियली ही वो चीज़ आप यू नो पता चल जाती है अगर कुछ है भी तो। सो जस्ट अ सजेशन एज अ फ्रेंड कि अगर नहीं करते हो तो करो, किसी भी हॉस्पिटल को फोन करोगे अपनी एज बताओ तो अपना वो जो है मेल फीमेल उस हिसाब से आप बताओगे तो वो लोग खुद ही आपको बताते हैं कि कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट है। सो काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, 2-3 हॉस्पिटल चेक करो जहाँ पे सस्ता है, यू कैन गो अहेड विद दैट, बट गेट इट डन वंस इन अ ईयर तो फॉर श्योर। सो आज बिल्कुल पार्टी मोड ऑन है, चिली चिकन नूडल्स और ये अनन्या का नूडल्स वाला डांसा, ओह सब चीज़ें कचरा क्या के नीचे फेंक रखा है। ओके चलो एंजॉय। आईना को हक्का नूडल्स बहुत पसंद है, चिकन हक्का नूडल्स, और आज क्लीनिंग कर रहे हैं काफ़ी कर दिया काफ़ी अच्छे से सारे जिसके अटैचमेंट्स हैं। हाँ दिखाया मैंने बहुत बार दिखाया बट आई थॉट लाइक क्योंकि अगर क्लीन ना करो ना यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है इस साइड में देखिए। हाँ काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, रेगुलरली करते रहो ना तो मिट्टी भरती नहीं है, वरना इतना ज़्यादा मिट्टी हो जाता है। जिसके बाद डिसाइड कर रहे हैं, जिस साइड हमने सारा अभी जस्ट पूरा करा है साफ। इतने अटैचमेंट्स है ना हर चीज़ के लिए सब हो जाता है कवर। सो आपने कल देखा मेरा ये और ये जो पार्ट है ना इतना स्टिफ हो गया था, इतना पेनफुल हो गया था। सो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मालिश के लिए बुलाने के लिए, अर्बन कंपनी का आपने देखा मैंने पहले लिया हुआ था, सो इट इज़ नॉट एट ऑल पेड, तो जस्ट क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने वही बुलाया था आज उनको, डीप टिश्यू मसाज मैं जनरली लेती हूँ तो उससे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अभी इतना रिलीफ हो रहा है ना। मैं ऐसे करती थी ना तो मेरा ये वाला मसल इतना पेन हो रहा था, तो आज करा तो आज इतना अच्छा लगा। तो उन्होंने वही बोला कि मेरे यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे जो बोन है इसके साइड में यहाँ पे काफ़ी वो नोड्स जो आते हैं ना आपके ब्लॉकेज होती है वो वहाँ पे यहाँ पे है। तो उन्होंने वही बोला कि आप थोड़ा रेगुलरली करवाओ, एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार तो भी करवाओ बिकॉज ऑफ दिस।
तो आई कुड फील दैट. और अभी इतना रिलीफ मिल रहा है, तो अभी ऑयल वगैरह सब कुछ लगा के हेड मसाज मैंने उसके ऊपर एड ऑन करवा लिया, अच्छा लग रहा था सर पे. सो ये पूरा यहाँ पे करते ना तो काफ़ी अच्छा फील होता है. सो अभी वही ऑयल वॉयल लगा के थोड़ी देर बैठी हूँ. एक घंटा उन्होंने बोला मिनिमम रखने को, तो अभी उसके बाद फिर लंच वगैरह बनाना है, नहाना है. सो यस, तो आज नहाने के बाद मैं अपना पेडिक्योर कर रही थी. आज का डे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डेडिकेट करा था अपने लिए ही. सो पेडिक्योर कर रही थी, आई थॉट आई शेयर दिस विद यू. तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक कैलस रिमूवर है ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत अच्छा है. इसमें 3-4 फिटिंग्स आती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने डेड सेल्स हैं. बहुत अच्छे से क्लीन करता है. तो मैं वीकली वंस या फिर जब मुझे लगता है कि यू नो आई नीड दिस, कि मेरे पैर में गंदा हो रहा है मुझे साफ़ करना है, तो आई डू दैट. उसके बाद जितने भी मेरे नेल्स, स्पेशली आई डू इट आफ्टर जो नहाने के बाद है तब, या फिर क्योंकि अदरवाइज ना पैरों को गीला करके बैठना पड़ता है उसके बाद फिर करते हैं. तो जब मैं नहा के आती हूँ ना, तो आई डू दिस एट दैट टाइम, तो ईजी रहता है. सो जितने भी डेड सेल्स हैं नेल्स के अंदर का जो भी है मैल, वो सारा मैं इसके हेल्प से ना पूरा निकालती हूँ. उसके बाद ये जो नेल कटर है जिसका मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था बहुत पहले, अगर आपको याद होगा, ये नेल कटर का स्पेशली ये वाला जो नाइफ वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से ही मैं इस नेल कटर को ढूंढ रही थी. सो हाँ, तो ये इससे मैं जो अब मेरे जितने भी क्यूटिकल्स हैं ना उनको हल्का सा पुशबैक करती हूँ, और जो मेरे ऊपर काफ़ी बार क्यूटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो इकट्ठा हो जाता है, तो क्यूटिकल्स को भी क्लीन करने के लिए आई यूज़ इट. तो ये मैं रेगुलरली करती हूँ, इसीलिए ऐसे पैर है ना काफ़ी मेरे मैनेज्ड लगते हैं. और ये रेगुलरली करो तो ही फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ क्रैक हील्स बहुत जल्दी हो जाते हैं. और फाइनली कोई भी आप ऑयल ले सकते हो, मैंने बादाम ऑयल लिया और नेल्स को अच्छे से पूरा मालिश किया. सो अब हुआ लंच बनाने का टाइम. तो जो मेरा एयर फ्रायर कम ओवन है वो जनरली यहाँ पे रखा रहता है, बट देन यहाँ पे जो प्लग पॉइंट है ना, यहाँ पे वो बड़ा वाला प्लग पॉइंट नहीं है जो उसके लिए चाहिए, प्लस ये वुडन था तो सेफ नहीं था, तो मैंने उसको स्लैब पे ही ले लिया. तो यहाँ पे जो बैंगन है उसको अच्छे से कट करके चेक कर लिया, उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है. और जो भी इसके स्लिट मैंने किए हैं उसके अंदर जो लहसुन है और आपके मिर्चियाँ हैं वो सब इसके अंदर डाल दिया. समझ रहे हो आप मैं क्या बना रही हूँ, बट बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ. जनरली ये गैस में बनता है, बट आज मैं फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर यूज़ करके बैंगन का भरता बना रही हूँ, एंड इट टर्न्ड आउट सो नाइस. तो मैंने सारे पीसेस जैसे आपने देखे टमाटर प्याज सब बड़ा बड़ा करके काट लिया था, सब में ऑयल लगा दिया था अच्छे से, बैंगन में भी और इसमें भी, और इसको मैंने डाल दिया था एयर फ्राई करने के लिए. तो उसने अपना जो टाइमिंग सेट था, प्रीसेट टाइमिंग था, वही लिया था 25 मिनट का शायद. बीच में मैंने बैंगन को एक बार पलट दिया था, तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मेरी जो है ना वो अच्छे से हो गए थे रोस्ट, लेकिन बैंगन ठीक से हुआ नहीं था, तो मैंने बैंगन को अंदर ही छोड़ दिया. बाकी जो टमाटर है, प्याज है, जो लहसुन और मिर्चियाँ वगैरह है, उन सबको निकाल के हल्का सा ठंडा करके उनका जो है वो पेस्ट बना लिया. और ये पेस्ट जो बना था ना, इसको दरदरा सा बनाना है, बहुत ज़्यादा ऐसा बिल्कुल वो प्लेन वाला पेस्ट नहीं बनाना है जैसे आप देख रहे हो इस हिसाब से, और यही इतना टेस्टी लग रहा था. सो इसको मैंने अलग से फिर टोस्ट का ऑप्शन चूज़ करके बैंगन को टोस्ट कर दिया था, तो ये अच्छे से बन गया था. सो अब आते हैं इसके रेसिपी पे. सो सरसों का तेल गर्म होने पे उस पर जीरा और हींग डाल के जो हमने पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे. वैसे कुकड ही है सो थोड़ा हिलाना है, फिर उसमें हमारा जो नमक है वो डाला, जो सारे मसाले हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर. लाल मिर्च का पाउडर आप जितना डालोगे ना इसमें, अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो कलर बहुत अच्छा आता है इसका, बट मेरे पास वो तीखा वाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है. बैंगन भी यहाँ पर ठंडा हो गया था सो उसको अच्छे से छील लिया, फिर उसको इसमें डाल लिया. काफ़ी लोग इसके बीज निकालते हैं बट मुझे इसके बीज बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं वो भी डाल देती हूँ. सब कुछ कुक्ड है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको, बस उसमें डाल के हल्का सा आपको हिला लेना है. बैंगन को अच्छे से मैंने वो छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, धनिया पत्ता डाला, एंड इट इज़ डन. और वो इतना टेस्टी बना था ना, डेफिनेटली ट्राई करना, वेरी ईजी टू कुक और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है ये बैंगन का भरता. सो मैंने आना खत्म करना है, केला खत्म नहीं, हल्का सा केला, थोड़ा जाओगे नहीं खेलेंगे, सब कुछ खाना आना चाहिए, पकड़ो. केला हल्का सा पक गया, कितना वो. सो मैंने छन्नी मंगाई थी, तो जब मैंने मंगाई थी मैंने रियलाइज नहीं किया था कि इतना बड़ा है. इसमें 3 साइज अवेलेबल थे, मैंने बीच वाला जो साइज है वो मंगाया था, अरे इतना बड़ा आया तो असल की पता नहीं यूज होगा नहीं होगा, कैसे यूज करेंगे, बट थैंक गॉड मैंने ये ले लिया कि प्रॉपर इस पे आता है. और काफी बार होता है ना जब चाय छन्नी छोटी होती है, आप आराम आराम से छानते हो कि इधर उधर गिर ना जाए चाय पत्ती, बिल्कुल परफेक्ट है. ऐसे पूरा डोल दो तो भी मतलब दिक्कत नहीं होती है. सो काफी अच्छा आया है, तो इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि कभी बड़ा है तो बड़ा रख लो, बिकॉज ये अच्छा लगता है. ऐसा जब चाय छानते है ना, ऐसा आराम से छानो. लास्ट वाले कप में दिखाती हूँ आपको, पूरा का पूरा डाल दो इसमें ऐसा, तो भी चाय पत्ती ऐसा है कि आपकी पूरी ओवरफ्लो नहीं करती. सो जस्ट चाय पिया
और यस यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी वो शायरी की जो आप में से कुछ फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर किया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो अपना सनराइज वाला दिखाया था और एक वो प्लेन जाते हुए दिखाया था, वो वाला सीन बहुत ही ज्यादा सीनिक और ब्यूटीफुल सीन था। तो मैंने उसमें बोला था कि कोई अगर शायर होता तो उसमें मस्त शायर लिखता, आप में से कोई कुछ लिखना चाहते हो तो लिख के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो कुछ फ्रेंड्स ने वो कमेंट सेक्शन में डाला था, दे वर सो स्वीट, और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप में से सब पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच टाइम निकाल के शायरी लिखने के लिए। सबके अंदर मतलब मान लिया मैंने कि शायर छुपा हुआ है, मतलब मुझसे होती है शायरी, मतलब ऐसा इट टेक्स टाइम। पहले मैं थोड़ा बहुत लिखती थी, नॉट शायरी आई वुड से, बट कुछ लाइंस तो लिख ही लेती थी, बट अभी उतना मतलब ऐसा मेरा दिमाग उसमें उतना जाता नहीं है। बट थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी प्यारी आपकी शायरियाँ हैं। सो मैं और सुभाष आए हैं शाम को वॉक करने के लिए। सुभाष हेलो बोल दो। लाइट बहुत कम है, और सुभाष का आईफोन है ना, मेरा सैमसंग फ़ोन कम लाइट में भी मस्त वीडियो निकालता है, लेकिन आईफोन की तो ऐसी वाट लग जाती है, हल्का सा भी लो लाइट हो तो। क्या बोल रहे हो? मैं कहीं जादू है, जादू उसको धूप चाहिए। धूप धूप फिर चमकता नहीं, यूएस का है ना इसीलिए धूप चाहिए। यूएस के लोगों को, बाहर यूरोप के लोगों को, दे लव समर, सन, बीच। नहीं उनका उनका डेफिनेशन है, जब मैं जर्मनी में थी तब भी उनका डेफिनेशन इज लाइक सनी बीच, सन मतलब बीच, ऐसा उनका। हमने उनको कहा हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, मना कर दिया। नहीं नहीं, आई एम हैप्पी हियर, आई डोंट वांट टू रिप्लेस, आई लव माय वेदर हियर। सो आज बहुत टाइम बाद मैं ये बनाने वाली हूँ, पहले काफी बनता था स्पेशली कोविड के टाइम पे। सो मैं नाश्ता हैवी होता था, अभी नाश्ता बहुत लाइट होता है हमारा। सो अभी तो फिलहाल मैं डिनर के लिए बना रही हूँ, बिकॉज हमारा डिनर भी काफी लाइट होता है। सो ये मैंने वॉश किया है दलिया, वॉश करके इसको ना 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया है, तो ये ज्यादा जल्दी कुक हो जाता है। वैसे अलग अलग ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैंने एक मिनट चॉप करी है बहुत सारी सब्जियां, मैंने लिया है धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज, थोड़ी हरी मिर्ची काटी है, और मटर लिया है आप कैप्सिकम, गाजर, बीन्स, जो भी सब्जी आपके पास है ना आप सब इसमें डाल सकते हो। ये मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहो तो तेल में ये बना सकते हो। तो इसमें लेंगे घी और हींग, हरी मिर्ची, अनियंस डालेंगे, अनियंस में नमक डाल के अनियंस को फ्राई कर लेंगे। अनियंस को ना बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा बस सॉफ्ट होने देना है। तो थोड़ा मटर भी मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ, तो भी हल्का सा हिला लेंगे। टमाटर साइड बाय साइड, यहाँ पे मैं मेथी भी बीन रही हूँ। तो ये बेसिकली मेथी वो मलाई मेथी पनीर बनाई थी ना उस दिन, तो ये बच गए थे मेथी, और इनको बीन के ना रखो ना बहुत जल्दी पीले हो जाते हैं, तो उनको बीन के ना हल्का सा बैग में, वो जिप लॉक बैग में हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा खुला रखती हूँ बैग, ताकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अंदर होता है तो सड़ जाते हैं। उसको फ्रिज में रख दूंगी तो कुछ टाइम चल जाएगा, फिर देखते हैं इसका क्या बनाएंगे। अभी टमाटर वगैरह सब फ्राई हो गए हैं, तो जो दलिया है वो डाल देंगे, और उसको भी हल्का सा ना हिला लेंगे। सो भी इसमें डाल देंगे पानी, अगेन पानी अपने हिसाब से, आपको कितना थिक और कितना मोची उस हिसाब से डाल सकते हो। सूपी सूपी भी बहुत अच्छा लगता है ये, थिक भी बहुत अच्छा लगता है, सो कम्प्लीटली अप टू यू। धनिया पत्ता और चाट मसाला, मैंने मैगी मसाला डालने पे ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पहले याद होगा अगर आपको, अगर आप मेरे ना पुराने व्लॉग्स देखते हो तब उस टाइम से हो तो मैं मैगी का वो मसाला डालती थी, तो खैर अभी तो है नहीं, अभी अन्य पक्का बोलने वाली है मुझे इसमें मैगी मसाला डाला क्या, बट आज बिना मैगी मसाले के ही काम चलाएंगे। तो अब इसको जैसे सीटी लगाते हैं वैसे सीटी लगा लेंगे। तो इस दलिया का मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी सीटी लगेगी, तो थोड़े सीटी लगाने के बाद मैं एक बार ओपन करके चेक कर लूँगी, लगेगा तो वापस सीटी लगा लेंगे। सो ये कुछ ऐसा बना है लाइक दिस, काफ़ी टेस्टी बनता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, सो गरम गरम सर्व करेंगे बिल्कुल। I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. Know that I need to get myself back in the game. तो दोपहर को जलेबी मंगाई थी, मैं तो सोने चली गई थी, है ना? तो अनन्या ने खाए, सुभाष ने खाए, अभी रात को मेरे लिए बचाई हुई थी, हाँ? लेकिन मेरी जलेबी पे सबकी नजर। सबकी जलेबी पे सबकी नजर, हाँ सबकी नहीं, मेरी जलेबी थी वो, तुम लोगों ने खा ली थी दोपहर को। हाँ जो सोया सो खोया। अच्छा वाह, जो सोवत है वो खोवत है, ऐसा जागत है वो जलेबी पावत है। वाह वाह, आज हमने लाइट्स ऑन नहीं करी सुभाष बाहर की, अभी रियलाइज हुआ मुझे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा।
कमेंट पक्का करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पक्का कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज YouTube आजकल नोटिफिकेशन दे रहा है, YouTube ने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। अगर आपने बेल बटन दबाया हुआ है चेक कर लो, नहीं प्रेस किया है तो बेल बटन भी प्रेस कर लेना सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो। सो चलिए इसी के साथ ही वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, गुड नाइट एंड यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।